गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल जावेद खान ऑटो व्लॉग। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिजायर टूर प्राइवेट नंबर कार का, जो गाड़ी कमर्शियल प्राइवेट दोनों में अवेलेबल होती है। अगर इसके एक शोरूम की बात करें तो दिल्ली का इसका एक शोरूम 6,61,700 रुपये अवेलेबल होता है। बाकी जानेंगे इस डिटेल वीडियो में गाड़ी के बारे में, सभी फीचर्स गाड़ी के बारे में, फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स और गाड़ी की बाकी डिटेल्स भी। चलिए दोस्तों इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। शुरुआत करने से पहले बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अवेलेबल हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत। यह है डिजायर टूर है CNG, जो CNG मॉडल के साथ अवेलेबल होती है। वैसे तो ये पुराना वाला मॉडल है, बस मारुति इसको कमर्शियल पर्पज़ से बेचता है, बट कुछ स्टेट में ये गाड़ी कमर्शियल पर्पज़ के अलावा प्राइवेट नंबर पर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। इस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के सबसे एंड में, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी बात कर लेते हैं इसके बोनट डिज़ाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं सिंपल आपको बोनट डिज़ाइन अवेलेबल हो जाता है, सिंपल नॉर्मल करेक्टर लाइंस के साथ में। उसके अलावा आप हेडलाइट की असेंबली देख सकते हैं, जो आपको सिंगल हेलोजन हेडलैम्प के साथ अवेलेबल होती है, प्लस इंडिकेटर का ऑप्शन भी आपको उसी के अंदर अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं गाड़ी की ग्रिल के बारे में, तो आपको काफ़ी बढ़िया ग्रिल आपको मिल जाती है। उसके अलावा नीचे एयर डैम के बारे में बात कर लेते हैं, तो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बढ़िया एयर डैम मिल जाता है, काफ़ी ओपन मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये कलर जो आप देख रहे हैं ये इसका सिल्की सिल्वर कलर, इसके अलावा आपको व्हाइट कलर के ऑप्शन में भी ये कार अवेलेबल होती है। तो दोस्तों ये था इसका फ्रंट डिज़ाइन। बाकी बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसका साइड प्रोफाइल। बाकी बात करते हैं इसकी कीज़ के बारे में, तो आपको लॉक अनलॉक सेंटर लॉक के साथ गाड़ी अवेलेबल हो जाती है डिज़ायर टूर एस CNG। आपको मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट सेंटर लॉक अवेलेबल हो जाती है दोनों चाबी के अंदर। बाकी उसके अंदर लॉक अनलॉक पार्किंग में गाड़ी को सर्च करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। बाकी बात कर लेते हैं इसके फेंडर के बारे में, तो आपको फेंडर में ही इंडिकेटर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है दोस्तों, जो काफ़ी बढ़िया आपको करेक्टर लाइंस भी दिखाता है। साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया करेक्टर लाइंस आपको मिल जाती हैं कार के डिज़ाइन में। बाकी बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल के बारे में, तो आपको सभी के सभी ट्यूबलेस टायर अवेलेबल हो जाते हैं। अगर टायर के साइज़ की बात करें तो R14 यानी कि 14 इंच का टायर आपको अवेलेबल होता है, और सभी टायर्स ट्यूबलेस अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आउटसाइड मिरर के बारे में, तो आप देख सकते हैं आपको ब्लैक कलर के आउटसाइड मिरर अवेलेबल हो जाते हैं, जो अंदर से स्टिक के थ्रू एडजस्टेबल अवेलेबल होते हैं। बाकी डोर हैंडल आप देख सकते हैं, आपको चारों डोर हैंडल मिलते हैं ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में, जो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। उसके अलावा ABC पिलर आपको मिलते हैं सेम कलर आउट कलर के साथ में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको टेल लैम्प्स मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है गाड़ी का टेल लैम्प्स का, जो काफ़ी बढ़िया लुक देता है रात के टाइम पे। उसके अलावा आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है सिल्वर क्रोम एक स्ट्रिप पूरा का पूरा पूरे बूट के साथ में। उसके अलावा सुजुकी का लोगो आपको बीच में मिल जाता है। उसके अलावा बेसिक स्टिकर आपको अवेलेबल हो जाता है टूर एस के यहाँ पर, बाकी आप डिज़ायर के मॉडल स्टिकर भी लगा सकते हैं मारुति वर्कशॉप से। बाकी आप देख सकते हैं बम्पर पे आपको इस बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर मिल जाते हैं, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं होते, डीलरशिप फिटमेंट अवेलेबल होती है, मारुति जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बैक बम्पर डिज़ाइन आपको मिल जाता है विद 2 आइस पार्किंग सेंसर के साथ में। बाकी ऊपर की तरफ आपको मिल जाती है हाई माउंट लैम्प, और साथ में आप देख सकते हैं CNG का स्टिकर भी आपको अवेलेबल हो जाता है पीछे की तरफ।
बाकी आगे की तरफ भी फ्रंट ग्लास पे भी आपको स्टिकर अवेलेबल होता है सीएनजी का, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ सीएनजी अवेलेबल होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी सीएनजी फिटमेंट के बारे में। तो देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ आपको सीएनजी सिलेंडर अवेलेबल हो जाता है। लगभग 12 किलो का सीएनजी सिलेंडर है, लगभग 8, 8.5, 9 किलो तक आपको सीएनजी फिटमेंट फिल हो पाती है एक बार में। उसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे आपको स्पेयर मिल जाता है टायर का, स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज में ही अवेलेबल हो जाता है। बाकी स्पेयर पार्ट्स रखने के लिए भी जगह इसमें दी गई है, आप अपने स्पेयर पार्ट्स जैक रोटपाना वगैरह को भी आराम से रख सकते हैं। उसके अलावा फ्यूल के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, आपको फ्यूल पेट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है यहाँ पर। उसके अलावा सीएनजी आप यहाँ से फिल करा सकते हैं और सेंसर बेस्ड सीएनजी अवेलेबल होती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर प्लेट भी मिल जाती है आपको सीएनजी की। एंड सेंसर बेस है दोस्तों, काफ़ी सेफ अवेलेबल होती है सीएनजी इसके साथ में। तो दोस्तों देख सकते हैं पीछे वाला आपको केबन स्पेस में दिखा देता हूँ एक बार, आपको बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में अवेलेबल हो जाते हैं जो आपकी विंडो है वो। और उसके अलावा बेसिक आपको पावर विंडो अवेलेबल होती है, बेसिक आपको मिल जाते हैं डोर हैंडल विदाउट किसी क्रोम के साथ में। साथ में मिल जाता है छोटा मोटा स्पेस, बोतल होल्डर। बाकी जो फिटमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक की पूरी फिटमेंट के साथ अवेलेबल होती है। बाकी स्पेस आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया स्पेस अवेलेबल हो जाता है, फिक्स आपको मिल जाते हैं हेडरेस्ट सभी के सभी। और ड्राइवर को ड्राइवर के लिए मिल जाते हैं आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल। और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है, बेज कलर के साथ में अवेलेबल होता है। पीछे स्पीकर का स्पेस है पर स्पीकर अवेलेबल नहीं होते हैं इसके अंदर दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है लेग रूम यहाँ पे। बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप ड्राइवर साइड विंडो को भी आपको प्लास्टिक फैब्रिक ट्रिम मिल जाती है, साथ में आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस दोनों। उसके अलावा सेंट्रल लॉक को लॉक अनलॉक करने का बटन, बाकी आप देख सकते हैं आउटसाइड मिरर को अंदर से एडजस्ट करने का ऑप्शन। बाकी स्पीकर का स्पेस आपको मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है, पेपर रखने के लिए स्पेस अवेलेबल है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं सीएनजी के स्विचेस आपको, सीएनजी पेट्रोल कब शिफ्ट करना है, उसके अलावा सेंट्रल लॉक के बटन्स। बाकी देख सकते हैं डुअल टोन का काफ़ी बढ़िया इंटीरियर आपको मिल जाता है ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन के साथ में, जो काफ़ी बढ़िया लुक देता है। ये देख सकते हैं एक बार इसका केबन व्यू। बाकी देख सकते हैं आप मल्टी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे स्पीडोमीटर, जो काफ़ी बढ़िया दिखता है, डिजिटल एंड नॉर्मल भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है स्टेयरिंग, इस पर लेदर वैप लगा हुआ है दोस्तों, तो मारुति जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है। उसके अलावा पावर विंडो पावर स्टीयरिंग पे आपको मिल जाते हैं डुअल एयरबैग ABS के ऑप्शन, एक एयरबैग आपको मिलता है स्टीयरिंग पे, बाकी का एक स्टीयरिंग आपको मिल जाता है को ड्राइवर सीट पे। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी बढ़िया केबन व्यू आपको अवेलेबल हो जाता है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं केबन में एक नोटिस स्टिकर आपको दिख जाता है, ये कार 80 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल पाती है। बाकी बहुत सारे मार्केट में आउटसाइड वेंडर्स अवेलेबल हैं जो स्पीड लिमिट को कम करने के लिए बोलते हैं, बाकी आप स्पीड लिमिट के साथ इस कार को चलाएं तो काफ़ी बढ़िया एवरेज क्लेम करती है गाड़ी कंपनी जो क्लेम करती है। बाकी दोस्तों म्यूजिक स्टीरियो आप अपनी चॉइस का कोई भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं नॉर्मल AC के स्पेस अवेलेबल हो जाता है, AC के नीचे जो वेंट्स हैं उसके नीचे आपको म्यूजिक स्टीरियो का स्पेस मिल जाता है। और उसके अलावा AC के बटन्स आपको नॉर्मल मिल जाते हैं मैनुअल, उसके अलावा USB ऑक्सिलरी के लिए सॉकेट मिल जाता है आपको, साथ में मिल जाता है एक कप होल्डर। उसके अलावा सिंपल आपको मिल जाती है गियर नॉब। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, तो आपको मिल जाता है 1200 CC वाला काफ़ी बढ़िया BS6 कंप्लाइंट का इंजन, जो 2008 से लगभग बिकता है डिज़ायर के अंदर और सबसे सक्सेसफुल इंजन माना जाता है। बाकी जो नई डिज़ायर है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड इंजन आपको अवेलेबल होता है। बाकी दोस्तों इसकी बात करें तो आपको पेट्रोल में लगभग 19 का एवरेज कंपनी क्लेम करती है, CNG में लगभग 26.5 किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज कंपनी क्लेम करती है। बाकी आपको डुअल एयरबैग ABS EBD पार्किंग सेंसर सीट बेल्ट रिमाइंडर स्पीड अलर्ट सिस्टम ये सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं।
बाकी दोस्तों इस कार को लेने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, जिस भी डीलरशिप से आप ये कार खरीदना चाहते हैं आप उस डीलर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या वो इस कार को प्राइवेट नंबर पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देंगे, पूरा टैक्स डिटेल आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी यूपी के सभी जिलों में ये गाड़ी रजिस्टर्ड होती है कमर्शियल पर्पस से और प्राइवेट पर्पस से, तो आप यूपी के अंदर कहीं भी इसको खरीद सकते हैं। बाकी दिल्ली के लिए आपको एक बार डीलरशिप से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, बाकी अदर स्टेट के लिए भी, और बाकी सिंपल पेपर रिक्वायरमेंट होते हैं, आपको कोई ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं होती है। बट इसके अंदर एक ही कंडीशन है कि गाड़ी 80 के ऊपर नहीं चलती है, तो अगर आपको 80 के ऊपर चलाना है तो उसके लिए कुछ जुगाड़बाजी आपको करना पड़ता है जो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी अनसेफ हो जाती है। बिकॉज मारुति आपको मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ में वारंटी भी अवेलेबल कराता है सीएनजी की, तो वो लॉस होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिएगा। गाड़ी की 80 की स्पीड पर चलिए, बढ़िया एवरेज देती है, अगर सिटी ड्राइविंग रनिंग पर्पज़ देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहनना ना भूलें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।